बुलाइए ना उसको और भागलपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक शराब बरामद किया है। ट्रक में जीपीएस भी लगा हुआ था, पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि विक्रमशिला टीओपी पर चेक पोस्ट है, वहां चेकिंग के क्रम में एक ट्रक का चालक ट्रक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में पुलिस ने 7 किलोमीटर तक उसका पीछा कर विक्रमशिला सेतु के उस पार जाह्नवी चौक से उसे पकड़ कर लाए हैं। उसमें भूसा भरा है, भूसा के अंदर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। चालक की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। चालक ने खुद को राजस्थान का रहने वाला बताया है। बरामद ट्रक यूपी का है। ट्रक को खाली करने में घंटों लगेंगे। देर रात तक बरामद शराब कितनी है इसकी जानकारी दी जाएगी। एसएसपी ने कहा है कि हम लोगों को बड़ी उपलब्धि मिली है, हमेशा कम मात्रा में शराब जब्त होती थी, आज बड़ी मात्रा में जब्त हुई है यह शराब। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। ये आज एक शराब का ट्रक बरामद हुआ है। विक्रमशिला सेतु पर हमारी एक चेक पोस्ट है, जहां पर चेकिंग के क्रम में यह शराब का ट्रक था, तो इसको ट्रक को लेकर भागने की कोशिश की और हमारी टीम ने इसका पीछा किया और गंगा के उस पार जाके इसको पकड़ के यहाँ पर लाए हैं। इसमें भूसा भरा हुआ है, भूसा के अंदर में छिपाकर शराब लाई गई है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, अभी पूछताछ की जा रही है और माल की गिनती की जा रही है, तो अभी ये पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि माल कहां से लेके आया था और इसको कहां लेके जाना था। अभी कहां की ट्रक है? ट्रक तो यूपी नंबर की गाड़ी है। ड्राइवर जो है अपने आप को राजस्थान का बता रहा है और बंगाल से लेकर आया है, लेकिन अभी पूछताछ के बाद और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि एग्जैक्ट क्या है स्थिति। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो हमारे ज़िला में छोटी मात्रा में ही बरामदगी होती है, अमूमन इतनी बड़ी बरामदगी होती नहीं है। तो आज हम लोग दोपहर में जाके चेक पोस्ट पे हम लोगों ने आज चेकिंग किया था। वहाँ पे जो हमारा बल और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं उनकी ब्रीफिंग की थी, उनको बताया था कि थोड़ा संवेदनशीलता के साथ वाहनों की चेकिंग की जानी है, क्योंकि ये चेक पोस्ट हम लोगों ने इसलिए बनाई है कई बार शहर में अपराध की घटना करके अपराधी नौगछे की ओर भागते हैं। तो उनको यही आज ब्रीफिंग की गई थी कि हर एक गाड़ी को आपको संदेह की नज़र से देखना है और ख़ासकर जो दो पहिया वाहन हैं उनकी चेकिंग की जानी है। तो आज ये काफ़ी अलर्ट थे, इन्होंने अब काफ़ी अच्छा काम किया है और अच्छी बात ये रही कि काफ़ी दूर तक पीछा करके पकड़ के लेके आए इसको।